Now I know, पापा और तुम्हारी इतनी पटती क्यों है? क्योंकि पापा को तुम्हारे जैसे लोग पसंद है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं फतेह, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस अपनी दोस्ती निभा रही हूँ और विर्क परिवार की बहू होने का फर्ज भी। पता है आज कितने दिनों बाद इस एकेडमी में आया हूँ मैं? एक वक्त था मैं पूरा पूरा दिन इस एकेडमी में प्रैक्टिस करता था। ओ, ये लो, पूरी एकेडमी दिखा दी, सबसे खास जगह तो दिखाई नहीं तुम्हें। आओ। क्या? अरे आओ तो आओ, आओ आओ। ये मेरी सबसे खास जगह है। तो तुम यहाँ प्रैक्टिस करते थे? करके दिखाओ जरा। हाँ वो क्या कहते हैं, अपरकट, जैब, हुक। जी तुम रहन दो तेजो, वेले ही चोट लग जानी है। अच्छा जी, इतना कमजोर समझ के रखा है? जटती हूँ मैं, चलो करो। पक्की गल? पक्की गल, चलो ठीक है। रेडी? रेडी। देख लिया मुझे चैलेंज करने का नतीजा। अब आज के बाद ना फतेह सिंह वीर को चैलेंज करने से पहले 100 बार सोचना। हाँ ठीक है, नहीं कर रही कोई चैलेंज। बस डर गई? वो डरती डरती नहीं मैं, मेरा एक फ्रेंड ना बॉक्सिंग चैंप है। ये केड़ा फ्रेंड है? वही जिसने गॉर्डन का भरता बनाया था। अच्छा वो फ्रेंड? वही वाला। चलो तुम न्यू इक्विपमेंट से आने की बात कर रहे थे ना, तुम लेकर आओ, मैं यहाँ का सेटअप देखती हूँ। ठीक है, ओके बाय। ये वाला लेटर ना वो जो ब्लैक टी शर्ट वाले भैया ना उनको दे देना। हेलो वीरे। किसने दिया? वो पिंक सूट वाली लड़की देख रही है ना, उसको ये देख यार, उसके बाद तो सारी आइसक्रीम खा लेना। बेटा तुमसे गलती हो गई है, वो उन भैया के लिए, उन्हें दे दो। ये अच्छा है, ये सारा माल घर भिजवा दे स्पोर्ट्स एकेडमी। मुझे हर बार इग्नोर नहीं कर सकता, और मैं जानती हूँ कि फतेह मुझे इग्नोर नहीं कर रहा है, जो करवा रही है। जैस्मीन, 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 मम्मी ने ये देख लिया तो पंगा हो जाना है। पता कुछ खा ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, तबीयत खराब हो जाएगी ना।
हटे, थोड़ा सा कुछ खा ले। खा पुत्र, क्या हुआ, कोई बात है? आ बैठ, बता मुझे क्या बात है। बात क्या होनी है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मामी जी की बात का बुरा लगा है? उन्होंने मुझे सब बताया, उन्होंने तुझे क्या कुछ कहा है, पर पुत्र उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? और उन्होंने मुझे ये क्यों कहा कि मैं गिप्पी से बात करूं? तेरी कोई बात हुई है क्या गिप्पी से? ओ यार मम्मी, आप ना मामी जी की बात को सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो, सोखे रहोगे। अच्छा चल छोड़, ये सारी बातें छोड़, तू मुझे ये बता कि तू गिप्पी से शादी करना चाहती है कि नहीं, कनाडा जाना चाहती है कि नहीं। जस्सू, जस्सू तुझसे बात कर रही हूँ, जवाब तो दे। ओ, हाँ यार मम्मी, मुझे गिप्पी पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं उसके साथ कनाडा भी जाना चाहती हूँ। और ये लो खाना, मुझे नहीं खाना, प्लीज सोने दो यार मम्मी, बहुत नींद आई हुई है। और जाते जाते लाइट बंद कर देना। जस्सू परेशान क्यों हो यार, तुम्हारे सपने से इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में और कुछ भी नहीं है। जैस्मिन, मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। दोस्ती का फर्ज निभाएंगी ना, मेरी शादी बस जस्सू से करवा दीजिए। मैं वादा करती हूँ फतेह, मैं तुम्हारी और जैस्मिन की शादी जरूर करवा के रहूंगी और तुम्हारी खुशियों की दुआ करूंगी। क्या हुआ फतेह, इतने घबराए हुए क्यों, क्या छुपा रहे हो? जैस्मिन मेरी जॉब चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी। जैस्मिन मेरी बात तो सुनो, जैस्मिन मेरी। फतेह मैं जानती हूँ कि हमारी शादी एक समझौता था, पर तुम्हें मूव ऑन होना पड़ेगा जैस्मिन से। जैस्मिन? कौन जैस्मिन? मैं किसी जैस्मिन को नहीं जानता, मैं किसी जैस्मिन को नहीं जानता। अब क्या है फतेह, अब तुम ऐसे मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपनी तेजो के साथ। फतेह और मैं, मेरा, हमारा क्या? हमारा ये हमारा ना, गुजरे हुए कल की यादें हैं जिनमें अब सिर्फ तुम हो। और हाँ जैस्मिन, एक काम और करना, ये जो हमारा है ना, इसको संभाल के रखना, एक संदूक के अंदर ताला लगा के, क्योंकि इस हमारे में सिर्फ तुम हो। मैं तो कब का निकल चुका हूँ। फतेह, फतेह, यहाँ से क्यों बोल? चलो ना। हाँ आया। फतेह, छोड़ो। फतेह। होगा कभी ऐसा, क्या थी खबर, खुशियों को किसकी लगी है नजर। वारियां वारियां थी जाने वारियां, हारियां हारी मैं ते सब हारियां। टूटे हैं पंख रह गई उडारियां। नहीं फतेह, जैस्मिन संधू को कोई ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, कभी नहीं। और ये कल की यादों को मैं कोई संदूक संदूक में नहीं रखने वाली, क्योंकि मेरा गुजरा कल भी तुम थे और मेरा आने वाला कल भी तुम ही होगे। बस जैस्मिन, बस अब ये वक्त रोने का नहीं बल्कि फतेह को पाने का है, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े।
कुछ भी। बड़ा काम शाम हो रहा है। आ गई तुम? आओ बैठो। ये क्या, लंच नहीं किया अभी तक? तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मेरा वेट? हाँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं आऊंगी? क्योंकि मुझे पता है जिस काम की तुम जिम्मेदारी लेती हो उसे पूरा करके छोड़ती हो। अच्छा जी, और मैंने कौन सी जिम्मेदारी ली है? मेरी हेल्प करने की। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। बचपन से है। अच्छा, अब खाना खा ले। हाँ। तुम्हें तो पता ही है मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। जानती हूँ, तुम्हारे से सूखी ब्रेड खा चुकी मैं। वैसे आज तो मैं आ गई, लेकिन रोज रोज कैसे मैनेज करोगे? अरे तुमने भी नहीं खाया? नहीं, जानती थी कि तुम्हें अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए। इतना कॉन्फिडेंस? बचपन से है। अच्छा, हम रोज इकट्ठे लंच क्यों नहीं कर सकते? 2 बजे खत्म होता है ना तुम्हारा कॉलेज, तो कॉलेज से तुम सीधा इधर ही आ जाया करो, हम दोनों साथ में लंच कर लेंगे और हम साथ में प्लान भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ठीक है, बंद करो अब ये। देख तो लो, खाना खा ले। अच्छा ठीक है। ये क्या है, सिर्फ पराठे और अचार? मम्मी के हाथ का बना आम का अचार, यम्मी, खा के देखो। ठीक है। क्या बात है यार, तुम्हें काम करना, कल से अचार ना यही रख देना, जब भी तुम आओगी साथ में खाएंगे, ये चटकारे ले लेंगे। मैंने कभी नहीं देखा था कि लड़के भी इसे चटकारे ले लेकर खाना खाते हैं। नहीं जी, अरे अपने लड़कों को जीभ नहीं दिए क्या? मैं तो ऐसे ही खाता हूँ, अचार, दही भल्ले, गोलगप्पे, आलू की टिक्की, सब ऐसे ही। ऐसे चटकारे ले लेकर? और क्या जी, ऐसे ही चटकारे ले लेकर। अरे रुको ना थोड़ी देर और, कहाँ जा रही हो? आज कॉलेज जाना है, एक्स्ट्रा लेक्चर है। अरे अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको जरा। ये क्या है? ये वो लेजर, एक बार चेक कर लेना यार, ये अकाउंटिंग नहीं होती मुझसे। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा काम मैं क्यों करूं? क्योंकि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। थैंक गॉड, बड़ी मुश्किल से फतेह लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप जैस्मिन कुछ पंगा ना करे। फतेह के साथ लंच करके अभी घर आई हूँ फाइल लेने, एक्स्ट्रा लेक्चर लेने के लिए बस अभी निकल ही रही हूँ। नहीं, अकेले नहीं हूँ, माही भी है, उसके साथ ही जाऊंगी। आंटी जी, बीजी और माची जो है वो गुरुद्वारे गई है मत्था टेकने, और अंकल जी और बाबू जी अमृतसर गए किसी पार्टी के काम से। फतेह, आजकल मुंडा काम शाम करने लग पे है। मम्मी, लगता है आंटी जी वगैरह आ गए, मैं करती हूँ आपको कॉल, बाय। एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि फतेह के दिल में आज भी जैस्मिन है और कल भी जैस्मिन रहेगी। तू यहाँ क्या करने आई है? फतेह घर पे नहीं है, बाहर गया। चुप, मैं तो तुझसे मिलने आई हूँ। ये ले, वो करतार आंटी है ना, पम्मी पंजे के बेबे, उन्होंने भेजा है तेरे लिए, तेरी शादी का गिफ्ट। थैंक यू, अब तो जा सकती है। तेजो, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। लेकिन जैस्मिन, मुझे तुझसे कुछ बात नहीं करनी है। तेजो, इतनी नाराज है मुझसे, अंदर भी नहीं बुलाएगी, बात भी नहीं करेगी। नहीं, बात करने को बचा ही क्या जैस्मिन। अच्छा एक बार ही तो सुन ले प्लीज। जैस्मिन प्लीज,
जितना ड्रामा करना था ना तुझे सब कर चुकी है, अब प्लीज और तमाशा नहीं चाहिए मुझे मेरे घर में, जा यहाँ से। बाय गॉड, अरे तेजो सचमुच मैं तो तुझे सॉरी बोलने आई थी। तेजो प्लीज मेरी बात तो सुन। अरे तेजो, तेजो कान खराब है तेरे, सुनाई नहीं दे रहे, कहा ना जाए यहाँ से। तू चाहती क्या है कि यहाँ पर तुझे बाहर खड़ा हुआ कोई देख ले और फिर से मुझे उल्टा सीधा बोले? अरे तेजो मेरी बात तो सुन, समझने की कोशिश तो कर तेजो। अरे तेजो, तेजो तू तो जानती है ना मैं गुस्से में कुछ भी बकवास कर देती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, पर मैं वो सब दिल से थोड़ी कहती। और तुझे याद है एक बार जब मुझे इंग्लिश में वो सप्ली आ गई थी तो? अरे मेरी बात सुन तेजो, तेजो प्लीज सुन ना तेजो, तेजो तेजो सुन। अरे वो इंग्लिश में मुझे एक बार जब सबली आ गई थी तो डिंपल मैम को कितना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था मैंने, तूने तो संभाला था पूरा मैटर। तेजो प्लीज मेरी बात मान जाना, सॉरी तेजो, रुक ना तेजो, तेरे बिना ना मैं जीरो जीरो कुछ नहीं संभाल सकता, मुझसे मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब दिल से सॉरी तेजो, सच में बहुत बहुत सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। अच्छा ये देख, सॉरी प्लीज मान जा, प्लीज 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 तेजो। जैस्मिन ये देख, हाथ जोड़ रही हूँ तेरे आगे, ना तो मुझे तेरी कोई बात सुननी और ना ही तेरी सॉरिया, आई समझ? प्लीज जाए यहाँ से। अगर अगर तेजो नहीं मानी तो मैं फतेह से मिलूंगी कैसे? उसे वापस अपना कैसे बनाऊंगी? उससे बात कैसे करूंगी? नहीं, कुछ सोचना होगा मुझे, कुछ तो करना होगा, कुछ करना पड़ेगा।